फतेहगढ़ जिले की पुलिस द्वारा यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुख्यात माफिया अनुपम दुबे व उसके गैंग के सदस्यों की 10 करोड़ 60 लाख 90 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। कल की कुर्की की कार्रवाई के साथ अनुपम दुबे व उसकी गैंग के सदस्यों की कुल लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ विकास कुमार के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फरुखाबाद पर पंजीकृत मामले में अनुपम दुबे व अनुराग दुबे पुत्रगढ़ स्वर्गीय महेश दुबे वर्तमान निवासी सदगुरु सदन मोहल्ला कसरट्टा कोतवाली फतेहगढ़ आदि की विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊ दरवाजा आमोद कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। ये सभी एक साथ मिलकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हुए विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ के लिए अपराध कारित करते रहे हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध कारित कर दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किए गए अवैध धन चल अचल संपत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की है, जबकि अभियुक्त व उसके परिवारीजन की आय का कोई वैध स्रोत नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट फरुखाबाद महोदय द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहपन एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में वाद संख्या 23/2023 में दिनांक 20 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें सरकार बनाम अनुपम दुबे में अभियुक्त अनुपम दुबे की अवैध स्रोतों से अर्जित जितनी भी संपत्तियां थी उनको पूर्ण करके मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसके क्रम में आज मैंने एक संपत्ति का ये अल्लाह नगर बड़पुर में घाटा संख्या 671 पर गोदाम है इसे सील करके अपने प्रबंधन में लिया। नहीं, कहाँ कहाँ किए हैं अभी तक? कुल 10 संपत्तियाँ जिसकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए हैं वो कुर्क की गई हैं आज, जिनमें से 6 संपत्तियाँ अभी कोठा पारचा में हम लोगों ने कुर्क की, 2 आवासीय प्लॉट थे, प्लॉट संख्या 4/64 और 4/64, एक आपका ये हमने गोडाउन सीज किया है और गोडाउन के बाद अगला जो है भूसा मंडी में हम जाएंगे, वहाँ पर कार्रवाई, एक प्लॉट है और 2 बैनामे इन्होंने वहाँ पर भी प्राप्त किए हैं उनका सीजर होगा, फतेहगढ़ कोतवाली से हम लोग करेंगे। जनपद फरुखाबाद में राज्य स्तर पर चिन्हित माफिया अनुपम दुबे, जिसके ऊपर ये आपराधिक माफिया है, जिसके ऊपर कुल 63 मुकदमे पंजीकृत हैं, इनमें से कई मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और कई मुकदमे विवेचनाधीन भी हैं। इसी के क्रम में मऊ दरवाजे पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा, उसमें कुर्की कार्रवाई चल रही है। माफिया के परिवारजनों और माफिया के खुद की प्रॉपर्टी की कुर्की पहले से ही पुलिस कर रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक पुलिस ने जो आज की कुर्की को मिलाकर बाजार मूल्य से लगभग 100 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। आज जो कुर्की कार्रवाई चल रही है इसमें 10 अचल संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसका बाजार का मूल्य लगभग 10 करोड़ 60 लाख रुपए है, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये प्रॉपर्टी और इसके साथ पूर्व में भी कई प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी हैं। कुल मिला के आज के दिन की 9वीं प्रॉपर्टी की कुर्की है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बची हुई है जो पुलिस और प्रशासन की टीम जाके वहाँ उसे कुर्क करेगी। और गैंगस्टर एक्ट में ये प्रावधान है कि जो भी अपराध से धन को अर्जित करता है पुलिस उस धन का पता लगाकर उसे कुर्क कराती है, और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपराध करके धन को अर्जन करेगा उसकी कुर्की इसी तरह से की जाए। उपरोक्त अवैध संपत्ति को कुर्क किए जाने हेतु विवेचनाधिकारी आमोद कुमार सिंह के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश के द्वारा अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा के अंतर्गत कुर्क किए जाने के लिए आदेशित किया गया था।
इसी कड़ी में प्रदीप सिंह क्षेत्राधिकारी नगर, श्रद्धा पांडे तहसीलदार सदर के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक मऊ दरवाजा आमोद कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फरुखाबाद अनिल कुमार चौबे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कादरी गेट विनोद कुमार शुक्ला मैं हमराह फोर्स के साथ सूची में अंकित भूखंडों पर जाकर नियमानुसार कुर्की आदेश की उद्घोषणा करते हुए डुगी डुगी पिटवा कर नोटिस चप्पा किए गए तथा सील की कार्रवाई करते हुए धारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई संपादित करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।